दोस्तों, किन्नर एक ऐसा शब्द है जिसे आज भी हमारे समाज में हीन भावना से देखा जाता है। किन्नर को हमेशा समाज से अलग रखा जाता है और उन्हें समाज के लिए कलंक के तौर पर माना जाता है। लेकिन वास्तव में हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। उसी तरह किन्नरों का समाज हमें जिस तरीके से दिखाई देता है, वास्तव में ऐसा नहीं होता। आपको जानकर हैरानी होगी कि किन्नर समाज में हर एक किन्नर का विवाह जरूरी होता है, लेकिन विवाह के अगले ही दिन ये विधवा भी हो जाते हैं। क्या रोचक कहानी है इस घटना के पीछे और क्यों इसे महाभारत से भी जोड़ा जाता है, आज हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं की पूजा की जाती है, लेकिन दक्षिण भारत के तमिलनाडु में अरावन नाम के देवता को विशेष तौर पर पूजा जाता है। कहीं कहीं इन्हें इरावन के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अरावन देवता की पूजा आम इंसान नहीं बल्कि हिजड़े करते हैं और ये किन्नरों के देवता माने जाते हैं और इन्हीं के नाम पर दक्षिण भारत में किन्नरों को अरावनी भी बुलाया जाता है। साथ ही साथ ये भी मान लीजिए, ये भी जान लीजिए कि जितने भी किन्नर समाज के लोग होते हैं, वो सभी अपने जीवन में एक बार अपने देवता अरावन से विवाह करते हैं, लेकिन विवाह के अगले ही दिन अरावन देवता की मौत हो जाती है और ये किन्नर अपने सारे श्रृंगार को उतार देते हैं और विधवा हो जाते हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि आखिर कौन है ये इरावन देवता और क्यों उनकी शादी एक ही दिन में खत्म हो जाती है और क्यों शादी के अगले ही दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन सभी सवालों के जवाब हमें मिलते हैं इतिहास में। महाभारत एक ऐसा काव्य है जिसमें कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़े गए युद्ध के बारे में कई रहस्य बताए गए हैं। हमारे इतिहास में महाभारत जैसा युद्ध ना तो पहले कभी लड़ा गया और ना ही भविष्य में कभी लड़ा जाएगा। तो महाभारत की कथा के एक रहस्य के अनुसार, जब अर्जुन और द्रौपदी की शादी हुई थी, तो शादी की एक शर्त तोड़ने की वजह से अर्जुन को इंद्रप्रस्थ से बाहर रहने की सजा मिली थी और उन्हें एक साल के लिए तीर्थ यात्रा पर भेज दिया गया था। इंद्रप्रस्थ से निकाले जाने के बाद अर्जुन उत्तर पूर्व भारत में गए, जहां पर उनकी मुलाकात एक विधवा नाग राजकुमारी उलूपी से हुई। उलूपी देखने में बहुत ही सुंदर थी, तो एक दूसरे को देखते ही अर्जुन और उलूपी को एक दूसरे से प्रेम हो गया और दोनों ने विवाह कर लिया। विवाह के थोड़े समय बाद उलूपी के गर्भ से अर्जुन के पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम था अरावन। लेकिन अर्जुन ने उलूपी और अपने पुत्र को वहीं छोड़कर अपने आगे की यात्रा शुरू की। अर्जुन के जाने के बाद रावण अपनी माता नाग कन्या के साथ नागलोक में रहने लगा, लेकिन जब रावण युवा हुआ तो उसने अपने पिता के पास जाने की इच्छा जताई और उस समय महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। तो जब रावण अर्जुन के पास आए तो अर्जुन ने रावण को युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में भेज दिया। युद्ध में लड़ाई करते करते जब पांडवों को अपनी हार सामने दिखाई दे रही थी, तभी उन्होंने माता काली की भक्ति करने के बारे में सोचा। लेकिन पांडवों को माता काली को खुश करने के लिए उनके चरणों में एक ऐसे राजकुमार की बलि चढ़ानी थी जो अपनी इच्छा से अपने प्राणों का दान देने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे में अर्जुन का पुत्र इरावन खुद अपनी बलि देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन वह अभी अविवाहित नहीं मरना चाहता था। ऐसे में समस्या ये थी कि जब रावण खुद की बलि देने के लिए तैयार था, तो ऐसे में कोई भी राजा अपनी पुत्री के साथ किसी ऐसे पुरुष का विवाह नहीं करता जो विवाह के अगले ही दिन विधवा हो जाए। इसी वजह से सभी राजा अरावन से अपनी बेटी की शादी करने के लिए मना कर रहे थे और अरावन का विवाह असंभव लग रहा था। इस समय भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को महाभारत का युद्ध जीतने के लिए युक्ति लगाई और खुद मोहिनी का रूप धारण करके अरावन के सामने खड़े हो गए और अरावन से शादी कर ली। अगले ही दिन अरावन ने अपने हाथों से अपनी बलि काली माता के चरणों में दे दी। अरावन के मरने के बाद श्री कृष्ण ने अपने मोहिनी रूप में बहुत देर तक अपने पति के मरने का विलाप किया और फिर वापस जाकर कृष्ण के रूप में आ गए। और यही कारण था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के पुत्र अरावन से शादी की थी, ताकि वो पांडवों को विजयी बना सके। और क्योंकि श्री कृष्ण ने पुरुष होते हुए भी स्त्री का रूप अरावन से विवाह किया था, इसीलिए किन्नर समाज के जो लोग होते हैं, जो स्त्री के रूप में भी पुरुष माने जाते हैं, वो अरावन को अपना देवता मानते हैं और अरावन से एक रात की शादी करते हैं। अगले ही दिन उनकी मृत्यु का शोक मनाते हुए विधवा हो जाते हैं। वैसे तो अब तमिलनाडु के कई हिस्सों में भगवान अरावन के मंदिर बन चुके हैं, पर इनका सबसे प्राचीन और मुख्य मंदिर विलुपुरम जिले में स्थित है। इस मंदिर में भगवान रावण के केवल शीश की पूजा की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे कि राजस्थान में खाटू श्याम में बरबरी के शीश की पूजा की जाती है। कुवगम गांव में हर साल तमिल नव वर्ष की पहली पूर्णिमा को 18 दिनों तक चलने वाले उत्सव की शुरुआत होती है और इस उत्सव में पूरे भारतवर्ष के आसपास के लोगों से किन्नर इकट्ठा होते हैं। पहले 16 दिन मधुर गीतों पर खूब नाच गाना होता है। किन्नर गोल घेरे बनाकर नाचते हैं, बीच बीच में ताली बजाते हैं और हंसी खुशी शादी की तैयारी करते हैं।
चारों तरफ घंटियों की आवाज, उत्साही लोगों की आवाज गूंज रही होती है। चारों तरफ के वातावरण को कपूर और चमेली के फूलों से महकाया जाता है। सातवें दिन पुरोहित के हाथों से विशेष पूजा होती है और अरावन देवता को नारियल चढ़ाया जाता है। उसके बाद अरावन देवता के सामने मंदिर के पुजारी किन्नरों के गले में मंगलसूत्र पहनाते हैं और जिस थाली में कहा जाता है कि फिर अरावन मंदिर में अरावन की मूर्ति से शादी रचाते हैं। आखिरी दिन यानी 18वें दिन सारे कुवगम गांव में अरावन की प्रतिमा को घुमाया जाता है और फिर उसे तोड़ दिया जाता है। उसके बाद दुल्हन बने किन्नर अपना मंगलसूत्र तोड़ देते हैं, साथ ही चेहरे पर किए गए सारे श्रृंगार को मिटा देते हैं और सफेद कपड़े पहन लेते हैं और जोर जोर से छाती पीटते हैं और खूब रोते हैं, जिसे देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो जाती हैं। और उसके बाद अरावन उत्सव खत्म होता है और अगले साल की पहली पूर्णिमा पर फिर से मिलने का वादा करके लोगों का अपने अपने घर को जाने का कार्यक्रम शुरू होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करके जरूरी जानकारी लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। धन्यवाद।